बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय स्किन केयर रूटीन, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी शादी होने वाली है, तो उसके लिए जो जो चीज़ें मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आज की वीडियो है नाइट स्किन केयर रूटीन पर, तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम लेंगे गार्नियर माइसिलर वाटर, ठीक है। ये मैंने अगर फेस पे कुछ लगाया हो तो मैं तब भी इसे करती हूँ, लेकिन अगर कुछ ना भी हो तो मैं तब भी इसे अपने फेस को अच्छे से क्लेंस कर लेती हूँ। मैंने कॉटन पैड लिया है, उस पर ये मैं थोड़ा सा लूँगी। मैं आपको फेस तो शो नहीं करवा सकती हूँ, तो मैं आपको ये हैंड पे सब कुछ लगा के बताऊँगी, ठीक है। ये मैंने इस पर माइसिलर वाटर लिया और इसे अच्छे से आप अच्छे से अपने फेस को क्लेंस कर लें। इससे मैं अच्छे से फेस को क्लेंस कर लेती हूँ, जो भी डस्ट है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि मैंने अच्छे से वॉश किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नज़र आ रहा है, अच्छे से आपके फेस से जो भी डस्ट है वो इससे रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मेरा ये है। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगी? ओके जी, उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है वो है दी बॉडी शॉप का, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, दी बॉडी शॉप का स्किन क्लेंजिंग फेशियल वॉश, ठीक है। इससे मैं बाद में अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा ये हो गया, अच्छे से फेस को आपने वॉश करना है। उसके बाद मैं इसी रेंज का दी बॉडी शॉप का टी ट्री मैटिफाइंग स्किन टोनर है ये, इसने मेरी स्किन को बहुत 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 बेहतर कर दिया है। मैं ये इस पर इंशाल्लाह ज़रूर रिव्यू दूंगी इसकी टी ट्री रेंज पे बॉडी शॉप की। अच्छा जी, थर्ड स्टेप मेरा हो गया, मैं अच्छे से टोनर यूज़ करूँगी उसके बाद। ओके जी, नेक्स्ट है ये भी दी बॉडी शॉप की वाइटामिन ई क्रीम है, ठीक है, क्रीम क्लेंजर है ये। मैं इससे डेली नाइट में यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसे डे में भी यूज़ कर लेती हूँ, इसे मॉर्निंग में भी यूज़ कर लेती हूँ, नाइट में मैं इसे डेली यूज़ नहीं करती हूँ। आजकल मैं कुछ चीज़ें बदल बदल के यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी है। मैंने आपसे कहा है मैं आपको दी बॉडी शॉप की इन तीन प्रोडक्ट्स का ज़रूर इंशाल्लाह रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे जो मेरे ब्लैक हेड्स थे, जो स्टबन ब्लैक हेड्स थे, वो बहुत अच्छे से रिमूव हो गए, क्योंकि मेरे जो फेस पे ब्लैक वाइट हेड्स बनते हैं वो मैंने बहुत से क्लेंजर्स यूज़ किए हैं, मुझे कोई ख़ास उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है मेरे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसकी मैं अच्छे से क्लेंजिंग कर लेती हूँ, फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है जी, नेक्स्ट है ये सबाए थाई का, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सबाए थाया आई थिंक सो, आप ये देख लीजिए इसका नेम जो भी है, ठीक है। उसके बाद मैं इससे ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह से सेंट फ्री है ये, इस तरह से इससे मैं स्क्रबिंग करती हूँ, ठीक है। ये भी मैं स्टेप वीक में 2 से 3 बार करती हूँ, ये भी मैं डेली नहीं करती हूँ, ठीक है। इससे अच्छे से स्क्रबिंग करके इसके बाद आप फिर फेस वॉश करेंगे। और ओके जी, आपने अच्छे से वॉश कर लिया फेस को, देन मैं इस पर अप्लाई करूँगी विटामिन सी सीरम, ठीक है। ये देख लें, ये राधा ब्यूटी का है विटामिन सी सीरम। आप चाहो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो, राधा ब्यूटी का। ये मैं आप लोगों को लगा के दिखा दूँ ड्रॉपर से, ठीक है। बहुत इसका जो टेक्स्चर है बहुत रनी है, ठीक है, रनी टेक्स्चर है इसका। इस तरह से सीरम अप्लाई करने के बाद, इस तरह से सीरम अप्लाई हो गया, ठीक है। सीरम अप्लाई करने के बाद मैं एक स्टेप, ये वाला स्टेप मैं स्किप कर देती हूँ अगर तो मैंने अपनी नाइट क्रीम यूज़ करनी हो, ठीक है। ये सीरम मैं स्किप कर देती हूँ अगर मैंने इसके बाद ये एवन टोन सी, ये अगर मैंने यूज़ करनी, ठीक है, नाइट क्रीम। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, एवन टोन सी के बारे में, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है इसे यूज़ करते हुए, मैं इंशाल्लाह कुछ ही दिन में इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे ये कैसी लगी है। अच्छा जी, जैसा कि इसमें विटामिन सी पहले से मौजूद है, अगर तो मैंने रात को ये यूज़ करनी हो तो मैं फिर विटामिन सी सीरम अलग से यूज़ नहीं करती हूँ। एक तो जी नाइट क्रीम ये हो गई, इन सब के बाद मैं ये वाली नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, ये वाली है और ये है फेयर एंड पिंक, ठीक है। ये 2 नाइट क्रीम्स हैं जो मैं आजकल
यूज़ कर रही हूँ। एक दिन मैं ये कर लेती हूँ, एक दिन मैं ये कर लेती हूँ, मैं स्किप भी कर देती हूँ। जब मैं ये दोनों नहीं लगाती, मैं जस्ट सीरम लगा के वैसे ही सो जाती हूँ। ठीक है, ये नाइट क्रीम्स हो गई। इसके अलावा स्किन मेरी कुछ ड्राई हो रही थी, तो मैं उसके लिए कुछ ड्राइनेस थी मुझे फील हो रही, तो मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ ओरिफ्लेम का। आप एक दफ़ा देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, इनकी लव नेचर रेंज है ठीक है ओरिफ्लेम की। ये मैं लगा के मॉइस्चराइज़र, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। आप लोगों को इनमें से जिन जिन चीज़ों के रिव्यूज़, जिन जिन चीज़ों में भी आप लोग इंटरेस्टेड हो कि हमें इसका रिव्यू चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। इस तरह से मैं ये क्रीम लगा के अपने फेस पे और सो जाती हूँ। ठीक है, ये तो मेरी चीज़ें। अगर इनके अलावा आप लोगों को और भी चीज़ें जाननी है, जो मैंने आपको पहले मसलर वाटर दिखाया है, आप लोगों के पास वो नहीं है, तो एक मैं ये भी यूज़ करती हूँ एवलाइन का, ठीक है, मेकअप रिमूवर। ये भी माइस्लर वाटर है एवलाइन का, एक एवलाइन का है और एक ये गार्नियर का है। आप लोग चाहो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। ठीक है, दो तो ये हो गए। उसके बाद मैं वीक में ये बीसी प्लस का, मुझे किसी ने कहा था कि आप प्लीज़ ये यूज़ कीजिएगा और हमसे इसका रिव्यू शेयर करें, इसलिए मैंने ये, मुझे कुछ दिन हुए हैं ये यूज़ करते। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आफ्टर सम डेज मैं इसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, एक मैंने इसका क्लेंजर लिया और एक इसका मैंने मड मास्क लिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये तो तीन चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कुछ ही दिन में ये वाली मैं शेयर करूँगी। इसका टोनर है, इसका ये फेशियल वॉश है एंड ये कैंसर है। ठीक है, ओके जी, एक है और मेरे पास, सॉरी, आई केयर के लिए ये मैं ऑप्टिमल्स की यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को नज़र आ रही है। ठीक है, ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ अंडर आई, ये भी मैं रात को लगा के सो जाती हूँ। ठीक है, एक तो मैंने ये वाली, ये मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, एक तो मैंने ये यूज़ की है, ये भी मैंने पूरी यूज़ कर ली है। मैं इसका भी आपको बताऊँगी कि ये सच में इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या जस्ट मतलब हाई भी क्रिएट की हुई है कि ये बहुत अच्छी है डार्क सर्कल्स के लिए। इसके अलावा मैंने एवलाइन की भी यूज़ की थी, मैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद जी लिप केयर, ये निविया का एसेंशियल लिप केयर है। ठीक है, ये लगा के बस और मैं सुकून से सो जाती हूँ। ये थी मेरी नाइट केयर रूटीन। मैं इंशाल्लाह अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों से अपनी डे केयर की भी शेयर करूंगी। ठीक है, ये आप एक दफ़ा देख लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, काइंडली जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।